हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम फोल्कलोर फेस्टिवल में बतौर मुख्यमंत्री उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है जिसमें विदेशों से भी कलाकारों को निमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम एक बहुत ही विशाल बहुत अनोखी किस्म का इसका आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे अगर किसी एक नौजवान साथी को मैं बताना चाहूंगा तो वह है गजेंद्र फोगाट। इन्होंने एक कल्पना संजोई कि हम अपने प्रांतों में अपने देश में यहां के सहभागी कलाकारों को बुला करके तो कार्यक्रम करते ही हैं, क्यों नहीं विदेशों से कुछ कलाकारों को निमंत्रण दे करके और एक बड़ा कार्यक्रम कराया जाए ताकि एक विश्व श्रेष्ठ विश्व इस प्रकार की धारणा को विश्व एक प्रकार से जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं सांस्कृतिक तौर पर हमने उसको वसुधैव कुटुंबकम ये कहा है तो उसका दर्शन भी होना चाहिए। तो उस नाते से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत के अतिरिक्त यहाँ रूस इटली दक्षिण कोरिया दक्षिण अफ्रीका यूक्रेन थाईलैंड टर्की चीन कोलंबिया सिंगापुर आदि 20 देशों से 400 कलाकार भाग ले रहे हैं। मैं इन सब 400 कलाकारों का स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल द 400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आई रियली वेलकम यू इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द सिटी ऑफ पंचकुला। इस कार्यक्रम में 20 अलग अलग देशों से 400 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि गीत संगीत और कला मन और बुद्धि को संतुलित करती है। मुख्यमंत्री ने इन कलाकारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए जो भी सहयोग अपेक्षित होगा हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। आज हर इंसान अपने दैनिक दिनचर्या में एक तनाव की जिंदगी एक ऊहापोह की जिंदगी अपनी अपनी व्यस्तताओं के हिसाब से बहुत प्रकार के ऐसे भावों में जीता है जो उसके मन और मस्तिष्क को कई बार उद्वेलित करते हैं। अपने मन और बुद्धि को संतुलित करने के लिए अगर कोई विधा है तो गीत है संगीत है नृत्य है कला है, इसके माध्यम से ही वो अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। तो इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत से अपने कदम उठाए हैं। हमने सांस्कृतिक तौर पर विदेशों से यहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ हमारे टीमें भी विदेशों में जाती हैं। हम प्रदेश भर में जैसे एक बड़ा कार्यक्रम विश्व स्तरीय सूरजकुंड में क्राफ्ट्स मेला के नाम से हर वर्ष करते हैं, इसी प्रकार एक बड़ा कार्यक्रम जहां विश्वव्यापी दृश्य देखने को मिलता है वह है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में। तो इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति जिसको विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त है देश और दुनिया में इसका नाम हो, क्योंकि हरियाणा की धरती पर सांस्कृतिक सोच के हिसाब से अगर देखें तो एक बड़ी परंपराएं इतिहास हमारा भरा पड़ा है। अगर उल्लेख करना हो तो एक ही हम जो गीता के नाम से जिस बात को जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का जो संदेश दिया युद्ध के मैदान में दिया और वो गीता का संदेश जीवन जीने के लिए आज एक हमारे लिए आधार बन गई है। तो इस नाते से 5000 वर्ष का पुराना ये संदेश आज भी विश्वव्यापी विश्व के लोग उसको याद करते हैं उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आज इस शाम में सभी जितने आए हुए कलाकार हैं वो अपना अपना एक या जो प्रदर्शन करेंगे उसके माध्यम से जो संदेश देंगे उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे होते रहें हरियाणा सरकार का जो सहयोग अपेक्षित है वो पूरा हम देते रहेंगे।
शानदार शानदार गिव राउंड ऑफ अप्लॉज। अल्पकाश टीवी के लिए चंडीगढ़ से ताजा खबर के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थप्रकाश वेब टीवी।